सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 111 और 112। तो हम सबसे पहले 111 प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। दो असमानांतर रेखाओं ए बी और सी डी को बढ़ाए बिना एक ऐसा वृत्त खींचो जो दोनों रेखाओं को स्पर्श करें, जिसका अर्धव्यास ए के समान हो। तो हमने दो असमांतर रेखा लेनी है और उनके बीच में एक कोण बनना है, सॉरी एक वृत्त बनना है, और वो वृत्त ऐसा होगा जो दोनों रेखाओं को छुएगा और जो हम अर्धवृत्त व्यास लेंगे उसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेखाएं। ये हमने एक रेखा ले ली है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। ये बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। अब हम लेंगे सी और डी, दूसरी जो असमांतर रेखा है उसका नाम है सी और डी। इस तरह से इसका नाम दे देते हैं यहां पे सी और डी। तो हमने क्या करना है, ये सी डी है आपका पॉइंट है, एक हमने लेना है अर्धव्यास, ये हमने ले लिया है, ये आपका अर्धव्यास है और इसका नाम हम दे देते हैं ए। सारा खेल इस अर्धव्यास का है। हमने अर्धव्यास जितनी प्रकार खोल दी है यहाँ पे, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, बी पर प्रकारक करके हमने यहाँ पे एक डॉटेड चाप लगा देनी है। ए पर प्रकारक हो, एक डॉटेड चाप ए से भी लगा दो और इन चापों को ऊपर से मिला दो इस तरह से, ये देखिए आप। इस तरह से हमने इनको डॉटेड मिला देना है। स्पाई का आपने विशेष ध्यान रखना है, स्पाई से कार्य करो, डॉटेड लाइनें लगाओ। अब इस रेखा का नाम हम दे देते हैं ई और एफ। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने डी पर प्रकार रखो और यहां से भी आपने एक डॉटेड लाइन लगा चाप लगा देनी है। सी पर प्रकार रखो और यहां से भी आपने एक डॉटेड चाप लगा देनी है इस तरह से। अब आपने इसको मिला देना है, इन चापों को ऊपर से आपने मिला देना है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जहां पे ये मिल रही है दोनों लाइनें आपस में, ये पॉइंट आपका आ गया ओ। अब आपने क्या करना है, प्रकार उतनी हमारी है जितना हमने पहले खोल रखी थी। मैंने पहले ही कहा था सारा कार्य यहाँ से हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से इतनी दूर है, ये इतनी दूर है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक वृत्त लगा देना है जो दोनों रेखाओं को भी छुएगा। ये अभी देखना आपने यहाँ से, और ये अर्धवृत्त के अर्धव्यास के बराबर भी होगा। तो ये देखिए आप यहाँ से, ये देखो, ये देखो यहाँ से ये दोनों रेखाओं को भी छू रहा है और अर्धव्यास के बराबर भी है। इस तरह से ये आपने बनाना है और ये आपका बन के तैयार हो गया है। प्रश्न नंबर ये है आपका 111, दो असमांतर रेखाओं को छूता हुआ वृत्त हमने बना दिया। अगला आपका है प्रश्न नंबर 112, ए बी सी डी असमानांतर रेखाओं के अंतर्गत वृत्तों की श्रृंखला खींचो जो आपस में और दोनों रेखाओं को स्पर्श करें। तो हमने ऐसी श्रृंखला खींचनी है जो आपस में भी स्पर्श करेंगे और दोनों रेखाओं को भी। तो हमने क्या करना है, जैसे हमने अभी ये दो असमांतर रेखाएं ली थी, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी दो असमांतर रेखाएं लेनी है। ये मैं यहाँ पे रेखा ले लेता हूँ, इसमें थोड़ी हमने लंबी रेखा लेनी है। ये हमारा है ए, ये हमारा है बी पॉइंट है, तभी हमारी श्रृंखला अच्छे से बनेगी जब हम रेखाएं थोड़ी लंबी लंबी लेंगे।
और हम एक और यहाँ से ले लेते हैं आसमंत रेखा, ये है आपका सीडी। इसके बाद हम इसमें नाम दे देते हैं सी और डी, ये आपका सी और डी है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने फिर तो श्रृंखला बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को ये जो कोण है, आपकी जो रेखाएं हैं इनके बीच में जो कोण बनेगा, जब ये रेखाएं आगे हम बढ़ाएंगे, इधर कोई बढ़ाएंगे फैल जाएगी, पीछे को बढ़ाएंगे तो मिल जाएगी, जहाँ ये मिलेगी वहाँ पे जो कोण बनेगा उसका हमें आधा करना पड़ेगा, तब हम इसमें ऋतुकोण श्रृंखला बना सकते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रकार रख करके हम चापे लगाएंगे, दो, एक ए से लगाएंगे और दूसरी चाप हम लगाएंगे बी पॉइंट से, और हम इन चापों को आपस में मिला देंगे। डॉटेड लाइन हम लगाएंगे जो ये प्रश्न है, ये प्रॉब्लम आपकी है, ये आसानी से सॉल्व हो सकती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इस तरह से अब हमने जितनी प्रकार हमने यहाँ खोल रखी थी उतनी प्रकार खोल के हमने डी पॉइंट पर रखनी है, और यहाँ से भी हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, डॉटेड चाप लगाएंगे यहाँ से भी इस तरह से, और हम दूसरी चाप लगाएंगे सी पॉइंट से यहाँ से, इस तरह से, और इसको भी हम मिला देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जहां पे ये दोनों रेखाएं आपकी मिल रही है, देखिए ये रेखाएं हैं, ये देखिए ये हमारी मिल रही है यहां पर, यहां पे ये रेखाएं आपस में मिल रही है, ये पर यहां पर, ठीक है जी। इसका नाम हम दे देते हैं जे, यहाँ पे ये जे है हमारा पॉइंट है जे, और यदि आप इन रेखाओं के नाम देने चाहें तो ये जो रेखा आपकी आ रही है जी, ये आपकी है एच, और जो नीचे रेखा है ये वाली है, इसका नाम हम दे देते हैं ई और एफ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये आपका, अब देखो ये रेखाएं अगर आगे जाती तो ये कोण बनाती, इस तरह से मिल जाती। अब हमने इसके समानांतर रेखाएं आ गई है क्योंकि हमने बराबर अंतर लिया था दोनों जगह से, तो ये हमारी आ गई है, जो ये आपका पॉइंट आ रहा है, ये आपका पॉइंट है, यहां से हमने क्या करना है, इस कोण का आधा कर देना है। इस तरह से हम चाप लगाएंगे, यहां हमने प्रकार रख दी है, हम आगे चाप लगाएंगे इस तरह से, फिर हमने यहां प्रकार रखनी है और इस चाप को हमने ऐसे काट देना है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब ये जहां पे बीच में ये चापे आपकी कट रही है, यहां पे हम रेखा लगाएंगे, रेखा हमारी बिल्कुल सही आनी चाहिए सेंटर से, तभी हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे आपकी रहती है तो जब आप वृत्त लगाओगे तो ये वृत्त आपका सही नहीं बैठेगा, आपकी जगह या तो ऊपर को एक किसी भी साइड को या तो एक कम रहेगा या फिर ज्यादा बाहर को निकल जाएगा, इस तरह से। इस तरह से हमें इसके बीच में जो है वो जो इसका समद्विबाह भाजन हुआ है दोनों कोणों का, ये आपने रेखा लगानी है, और ये रेखा का नाम हम दे देते हैं आई और जे, ये रेखा का नाम है आई और जे रेखा है, ये सेंटर वाली रेखा है। अब आप इसमें हमने श्रृंखला बनानी है वृत्तों की, हम वृत्तों की श्रृंखला कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ए बी रेखा है इसमें हम कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, ये हमने पी पॉइंट ले लिया है। अब हमने क्या करना है, पी पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे ये सबको आपको आता है बनाना 90 डिग्री का कोण, तो बताइए पहली चाप कितने डिग्री की होती है, 60, दूसरी चाप हमारी होती है 120 डिग्री की,
और जब हम 120 डिग्री का और 60 डिग्री का आधा करते हैं तो ये कोण हमारा बन जाता है 90 डिग्री का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हमने बना दिया है इस तरह से। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आया है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ओ। मैं यहाँ से थोड़ी सी लाइन और लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारा एक डॉट यहाँ पे कम लग गया था, ये आपका है, ये पॉइंट आपका आ जाएगा ओ। अब हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट पर प्रकार रखेंगे, पी जितनी प्रकार खोल के हम यहाँ पे सर्कल लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका सर्कल लग चुका है, ये हमारा बना पहला सर्कल। अब हमने श्रृंखला कैसे बनानी है इसमें, ये जो आपकी लाइन है, मैंने पहले कहा था जे आई जो आपकी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लाइन पे ही हमने सभी तरह का कार्य करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका आ रहा है जहाँ ये वृत्त आपका वृत्त की परिधि कट रही है क्यू। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहां से आपने नीचे को 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहां से नीचे को। अब देखिए यहां पे हम नीचे को यहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, हमने यहां से एक्चुअल में लंब गिराना होता है, तो लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, आपकी बुक में दिया होगा, इसमें दिया होगा क्यू से लंब गिराओ, क्यू आर। तो यहां से हम लंब मीन्स 90 डिग्री का कोण हम बनाएंगे यहां से इस तरह से। थोड़ा जल्दी जल्दी कार्य कर लेता हूं ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, पर बात यह है कि आपको समझ अच्छे से आ जाना चाहिए, हमारा जो उद्देश्य है वो आपको अच्छे से समझाना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये मैंने 90 डिग्री का कोण यहां बना दिया है। अब यहां पे जो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट का नाम हम दे देते हैं आर। अब हमने क्या करना है भाई, आर से क्यू जितनी प्रकार खोलनी है और यहां से हमने एक चाप लगानी है इस तरह से, इस तरह से लगी है चाप। इसका नाम हम दे देंगे जहां ये नीचे कट रहा है टी। अब हमने क्या करना है फिर, इसमें कार्य वही है भाई, ज्यादा इसमें मैथ नहीं है। टी से हमने फिर लंब उठाना है आई जे जो रेखा है इस पर, तो लंब उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। एक ऑप्शन आपके पास और है, वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, जो ये आपका कोण है आप इसी के समानांतर भी रेखा ले सकते हैं, वो भी आपका कार्य हो सकता है। या आपके पास सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल पहले ही बने होते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पे 90 डिग्री का कोण फिर ऊपर को बना देंगे। हम यहाँ पे इस पे नाम दे देंगे एस। ये जो आपका पॉइंट आएगा, ये चापे भी यहीं कट रही है और ये आपकी लाइन जो आई जे लाइन है ये भी यहीं पे है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एस से ये आपका नीचे पॉइंट है टी, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ टी, ये टी है, हमने एस से टी जितनी प्रकार खोलनी है, या फिर आपने एस से क्यू जितनी प्रकार खोली है, देखो दोनों जगह सही आ रहा है, इस तरह से आपने अगला वृत्त लगा देना है। ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, दोनों रेखाओं को छू रहा है और वृत्त को भी आपस में छू रहा है। तो बुक में आपके पास दो ही वृत्त दिए हुए हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि दो वृत्त बनाओ, ये कहा गया है कि वृत्तों की श्रृंखला बनाओ। तो मैं एक वृत्त आपको और इसमें ऐड करके बता देता हूँ, तो और ये उसमें मैं बताऊंगा कि आपने सेट स्क्वायर से कैसे आप ये बना सकते हैं इसको हेल्प से। तो यहाँ पे हम और नाम देते हैं, हमारे पास आ चुके हैं ओ पी क्यू आर एस टी। अब हम यहाँ नाम देते हैं यू, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया यू। तो यू से हमने क्या करना है, 90 डिग्री का कोण नीचे को बनाना है। देखिए आप यहाँ भी इसी तरह का कार्य कर सकते हैं, अगर आपने नहीं बनाया, देखियो जो ये आपकी लाइन है ना जे आई, इस पे ऊपर हमने इस तरह से सेट स्क्वायर रखना है, सही ढंग से रखिए इस तरह से, और नीचे को यहाँ से लाइन लगा दीजिए, जो ये लाइन मैंने लगाई थी ना 90 डिग्री का कोण बना के, आप बगैर कोण बनाए भी इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री का ही कोण है। और यहाँ पे हम नाम देते हैं यू वी, ये हमने नाम दे दिया वी,
अब हम क्या करेंगे, वी से यू जितनी प्रकार खोलेंगे और चाप लगा इस तरह से। अब देख सकते हैं यहां हम नाम दे देते हैं डब्ल्यू, ये हम अपने मर्जी से सारा कार्य कर रहे हैं। अब हम W नाम हमने दे दिया है, यहां से ऊपर को फिर हमने लंब बनाना है, लंब खींचना है। तो ये जो आपकी रेखा है, ये आप जो सेट स्क्वायर है, इस सेट स्क्वायर को आपने ए बी रेखा पे बिल्कुल सही रखना है इस तरह से। और यहां से अपने 90 डिग्री का कोण या आपने यहां से लंब यहां से ऊपर को उठाना है, यहां से इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से, और ये जो आपकी लाइन आ रही है वो यहाँ आ रही है, यहाँ पे ये लाइन आपकी है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा ना डार्क ही लगा देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए एक्चुअली डार्क नहीं आनी है, ये डॉटेड आनी है, पर मैं सिर्फ यहाँ पे क्योंकि ये भी चापे मिल रही थी तो इसके साथ ये मिक्स हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम नाम दे देते इसका एक्स, यहाँ हमने इसका नाम दे दिया एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका पॉइंट आ गया एक्स, एक्स पर प्रकार रखेंगे और या तो W जितनी प्रकार खोल दीजिए यहाँ से, या आप ये आपका V है U है, ये U U जितनी प्रकार खोल करके आपने यहाँ से एक सर्कल लगा देना इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से सर्कल लगा दीजिए तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद फिर यदि आप एक और वृत्त इसमें बनाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट का नाम दे दीजिए, 90 डिग्री नीचे को बना दीजिए, यहाँ जो पॉइंट आएगा यहाँ से फिर इधर को चाप लगा दीजिए, यहाँ जो पॉइंट आएगा यहाँ से फिर 90 डिग्री कोण बना दीजिए और एक सर्कल और बना दीजिए। इस तरह से आप कितने भी इसमें सर्कल बना सकते हैं, ये श्रृंखला आप कितनी भी लंबी बना सकते हैं। सिर्फ आपके पास बुक में जो ये दो आपके पास वृत्त दिए हुए हैं, तीसरा नहीं दिया हुआ है, पर ये मैंने इसलिए बनाया कि आप और भी ज़्यादा इसमें बना सकते हैं क्योंकि आप फ्री माइंड है, कर सकते हैं कार्य, क्योंकि इसमें श्रृंखला पूछी गई है, ये नहीं पूछा गया कि कितने वृत्त हैं, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।